हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर फ्रॉम चैप्टर 1। द टॉपिक इज़ द सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। बीज बोने से पहले हम जो सिलेक्ट करते हैं सीड्स को फॉर द बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, फसल की अच्छी पैदावार के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट है सिलेक्ट्स ओनली गुड क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्डिंग सीड्स। बीज हमारा कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी का होना चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंस बीमारी को झेल सके, एंड हाई यील्ड सीड्स और उसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ट्रीट द सीड विथ फंजीसाइड्स बाय बिफोर सोइंग। बोने से पहले हमें उसे फंजीसाइड्स केमिकल से उसको वो करना चाहिए ताकि उसको फंगस ना लगे, हमारा बीज ख़राब ना हो। अगर हमारा बीज ख़राब हो जाएगा तो हमारी अच्छी फसल की पैदावार नहीं होगी। नाउ सेकेंड टॉपिक है सोइंग मेथड बाय स्कैटरिंग दैम इन द फील्ड। दो मेथड हैं बीज बोने के, हम उसको स्कैटरिंग फैला कर फील्ड में फैला कर भी बो सकते हैं, और दूसरा मेथड है बाय सीड ड्रिल, जो मशीन होती है बीज बोने की, हम उससे भी अपने बीज बो देते हैं। तीसरा नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ हेल्दी सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड। नर्सरी से मेन फील्ड पर जब हम छोटे छोटे प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, इससे जो सिलेक्टेड हेल्दी सीडलिंग्स होते हैं उससे फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। और ट्रांसप्लांटेशन परमिट बेटर पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। सेकंड टॉपिक इज द इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स सिंचाई। सिंचाई आप जानते हैं, पानी लगाना, फसल में जब हम पानी लगाते हैं। द वाटरिंग ऑफ द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स, अलग अलग थोड़े थोड़े हफ्ते बाद जब हम पानी लगाते हैं उसको इरीगेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडी सॉइल नीड्स मोर वाटर देन द क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी से ज़्यादा सैंडी सॉइल्स में पानी की आवश्यकता होती है, नीड्स मोर इरीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। क्या क्या सोर्सेज हैं इरीगेशन के? जैसे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक आप बुक में आप अपनी साइंस बुक में रीड करेंगे। अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।